शर्मा, पटना नाव हादसे में अब तक 21 लोगों की मौत हो चुकी है। राहत और बचाव अभियान फिलहाल चलाया जा रहा है। हादसे में मरने वालों के परिवार के लोगों को राज्य सरकार 4-4 लाख रुपए का मुआवजा देगी, तो वहीं प्रधानमंत्री की ओर से मृतकों के परिवार को 2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया गया है। पटना हादसे पर प्रधानमंत्री से लेकर सोनिया गांधी ने दुख जताया है। वहीं हादसे की वजह से सीएम नीतीश कुमार ने अपनी आज की सभी कार्यक्रम जो है वो रद्द कर दिए हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिस वक्त नाव पलटी है उस वक्त ये तस्वीरें हैं। जो लोग उस नाव में सवार थे वो पानी में जा गिरे और ये उसी वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर अब मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है सरकार की तरफ से, और फिलहाल राहत और बचाव कार्य जो है वहां पर वो लगातार जारी है। एनडीआरएफ की जो टीम है वो लगातार राहत और बचाव कार्य में लगी हुई है, और ये वो लोग जो उस नाव में मौजूद थे और नाव के पलटने से ये पानी में जा गिरे और 21 लोगों की मौत की खबर इस पूरे हादसे के बाद आ रही है। वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नीतीश कुमार ने अपने कार्यक्रम यहां पर आज के जितने भी थे वो यहां पर रद्द कर दिए, और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, लोग पहुंचे हैं, उनकी तरफ से कोशिशें की जा रही हैं अपनों को ढूंढने की। जो लोग उस नाव में सवार थे कोशिश अब परिजनों की तरफ से की जा रही है उन्हें ढूंढने की, और शायद यही मन में आस लेकर वो जा रहे होंगे कि ये तस्वीरें जो लगी हुई हैं उनमें उनके परिजन ना शामिल हों। पटना में हुए दर्दनाक हादसे में कम से कम 21 लोगों की मौत हो चुकी है। राहत और बचाव कार्य अभी भी जारी है। नाव सबलपुर दियारा से पटना घाट की ओर लौट रही थी, और दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नाव में क्षमता से ज्यादा लोग सवार थे, तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। बताया ये जा रहा है कि जो नाव में लोग सवार थे वो क्षमता से ज्यादा थे, और किस तरह से नाव हादसे की शिकार हुई है। इस हादसे में 10 लोगों को सुरक्षित निकालने में कामयाबी जरूर मिली है, जिन्हें पटना के अस्पताल में भर्ती किया गया है। आपको बता दें नाव में 40 लोग सवार थे। अरे डूब डूब जल्दी। मकर संक्रांति के अवसर पर पतंगबाजी में हिस्सा लेने गए थे ये लोग, और लौटते समय इस हादसे के शिकार हो गए बताया जा रहा है। खबर ये आ रही है किस लोगों की यहाँ पर मौत हो गई है, कई लोग लापता बताए जा रहे हैं, और इसी वजह से जो राहत और बचाव का कार्य है वो वहां पर लगातार किया जा रहा है। पूरी रात चले हैं, हमने लाइटें लगा के पूरी रात रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखा है, सर्च ऑपरेशन। आज सुबह से भी सर्च ऑपरेशन जारी है, और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। बड़ा दुखद घटना है, तो पूरी कोशिश जारी है। अभी तक 21 शव मिले हैं और सर्च ऑपरेशन जारी है। केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह ने नाव हादसे को बिहार सरकार की विफलता करार दिया है। जो तैयारी प्रकाश पर्व में की गई, जो नाव लगाए गए, चूंकि उसमें बाहर में नाम कमाना था कि यार ये अच्छा है, बाहर के लोग आते हैं स्वागत करना चाहिए, लेकिन पिछली घटनाओं को भी देखिए, रावण दहन की घटना हो या छठ के समय की घटना हो या इस बार की जो ये घटना है, ये साबित करता है कि सरकार जमीन पर नहीं खड़ी है, वो हवा में उड़ रही। बिहार जेडीयू अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने नाव हादसे को दुखद बताया है। यह तंजी दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, और नाव दुर्घटना, नाव तो प्राइवेट थी और इंजन फेल होने के चलते ये घटना हुई है, दुर्घटना हुई है। मैंने इस पर मुख्यमंत्री से विचार विमर्श किया, और उनकी भी राय यही थी कि इस भोज को कैंसिल कर देना चाहिए। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से ट्वीट कर इस हादसे पर
शोक जताया गया। उन्होंने लिखा कि गंगा दियारा में नाव डूबने की घटना दुखद, विभागों को बचाव और राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। और इसी के साथ लालू प्रसाद यादव ने भी यहां पर ट्वीट किया, लिखा गंगा में नाव डूबने की दुखद घटना से मर्माहत हूं, सरकार ने राहत और बचाव कार्यों में तेजी एवं दुर्भाग्यपूर्ण घटना की जांच का आदेश दे दिया है। चलिए अब आपको बताते हैं कि कल कैसे क्या कुछ हुआ। पतंग उत्सव देखकर लौट रहे लोगों की गंगा नदी में डूबने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि नाव पर क्षमता से ज्यादा लोग सवार थे और ओवरलोडिंग की वजह से यह हादसा हुआ है। घटना के बाद मुख्यमंत्री ने आज होने वाले जेडीयू के भोज कार्यक्रम को भी रद्द कर दिया है, साथ ही महात्मा गांधी सेतु पुल के पुनर्निर्माण कार्यक्रम को भी टालने की अपील की है। अब 200-250 आदमी जो है जो क्षमता ज्यादा ला दिया, पुलिस वाला देख रहा ना टूटा ये चीख पुकार, ये बदहवास लोग गंगा में डूबे अपनों की खोज खबर और सलामती को लेकर परेशान हैं। कई लोग लापता हैं तो कई लोग कभी लौट कर नहीं आने वाले। नाव के डूबने की सूचना है, 30-40 आदमी थे, अब उसमें हम लोग पता कर रहे हैं और सिटी एसपी साहब भी वहीं उसी साइड है, जाके हम लोग और अपडेट ले रहे हैं। जो लोग डूबे हैं उनकी जिनकी बॉडी मिली है उनको हम लोग निकाल रहे हैं और बाकी को रेस्क्यू करवाने का प्रयास हो रहा है। बॉडीज को निकाला जाएगा, उसके बाद आपको अपडेट किया जाएगा। कितने लोग सवार थे बोट, ऑन बोर्ड कितने लोग थे उस वक्त? जैसा कि बताया जा रहा है 20-30 आदमी थे। हादसा एनआईटी घाट पर हुआ। गंगा में नाव डूबने की खबर लगते ही मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम ने कई लोगों को बचाया। कितने पे उस नाव में कितने सवार? 1-2 कितने डेड लोग आए हैं अभी यहाँ? लगभग 40-50 यहाँ आ गए हैं। अब उधर से नाव से उधर से लोग भेजे हुए हैं। दियारा इलाके में जिला प्रशासन ने पतंग उत्सव आयोजित किया था, वहाँ से लोगों को लेकर लौट रही ओवरलोडेड नाव नदी में पलट गयी। नाव पर 40 से ज्यादा लोग सवार थे। लापता लोगों की तलाश में SDRF और NDRF की टीमें लगी हैं। उधर BJP ने हादसे के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। घटना काफी दुखद है और बड़ी संख्या में नाव पर सवार थे और जैसा लोग बता रहे हैं कि सरकार के स्तर पर व्यवस्था नहीं थी और व्यवस्था विलंब से भी जाकर के है, जिससे बड़ी घटना घटी है। थोड़ी जरा और बातों को थोड़ा सा समझ लेते हैं, थोड़ी बातों को जानकारी बरसात की बड़ी घटना है और काफी बड़ी कैजुअलिटी हुई जाकर के, अधिक लोग घायल जाकर के हैं। सरकार का समय पर इंजाम नहीं था, विलंब से व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घटना पर दुख जताते हुए मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए देने की घोषणा की है, साथ ही आज होने वाले पार्टी के भोज कार्यक्रम को भी रद्द कर दिया है। टीम न्यूज़ फॉर इंडिया।